हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फीड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ ब्रेड के बहुत ही चटपटे क्रिस्पी पकौड़े, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो मैंने ये लिए हैं ब्रेड के, इस तरह के स्लाइस लिए हैं। आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हो, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो, चाहे वो इस तरह का ब्रेड हो। तो मैंने इसके ये किनारे थे जो उसके बॉर्डर हैं, उसको मैंने इस तरह से चाकू से अलग कर लिया है। आप इस तरह से इसे चाकू से अलग कर सकते हो। तो ब्रेड के जो किनारे हैं आप उसे अलग कर लीजिए इस तरह से चाकू की हेल्प से। तो देखिए, मैंने ये किनारे इसके अलग कर लिए हैं। और साथ ही मैंने ले लिया है, एक कटोरी मैंने लिया है ये बेसन ग्रैम फ्लोर, और साथ ही उबले हुए आलू लिए हैं, और लिए हैं मैंने कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम आलू का मसाला रेडी करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम फ्लेम ऑन करते हैं। तो आलू का मसाला बनाने के लिए हम करेंगे फ्लेम चालू। ओके, फ्लेम चालू कर दिया है, कढ़ाई रख दी है। आलू को मैंने पहले से ही बॉईल किया हुआ था, तो कढ़ाई हो गई है गरम। तो हम मैंने लिया है ये 1 चम्मच घी लिया है, तेल। तो तेल डालेंगे, और तेल गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे जीरा। आधा चम्मच जीरा डालने के बाद में मैंने ये लिया है थोड़ा सा, 2-3 चुटकी लिया है मैंने हींग डाल देते हैं। और हींग डालने के ये लिया है मैंने कटा हुआ एक प्याज लिया था कटा हुआ, तो एक बड़े साइज का प्याज लिया था। इस प्याज को डाल देते हैं और अब इसको हम भून लेते हैं। हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही करना है इसे। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं हल्का सा प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। बस इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये ली है मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, इसको भी डाल देते हैं। और इसको भी हम भून लेते हैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो हींग, जीरा, प्याज और हरी मिर्ची को हल्का सा मैंने गोल्डन कर लिया है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद में जो मैंने 4 बड़े साइज के आलू लिए थे, बॉयल आलू उबले हुए, इनको भी इसमें डाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसको डालने के बाद में पहले हम इस सब को कर लेते हैं मिक्स, तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसको फ्लेम है जो उसका, आप गैस को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैंने ये 1/2 स्पून सॉल्ट ले लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद में फाइनली मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ धनिया पत्ती। और इस सबको कर लेती हूँ मिक्स। और आलू का मसाला बन के हो गया है एकदम रेडी। तो इस सब को पहले थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ताकि हम इसके लड्डू बनाएंगे, बॉल बनाएंगे, तो अच्छी तरह से बॉल बन सके। तो इसे थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, वाइन कर लेते हैं इसे इस तरह से, ताकि इसके लड्डू बन सकें और लड्डू टूटे ना। तो मसाला बिल्कुल रेडी है। तो इस मसाले को हम निकाल लेते हैं इस प्लेट पर, ताकि ये मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए और हम इसे आसानी से बॉल बना सकें। तो मैंने इसे इस प्लेट में पलट लिया है। इधर मैंने आलू का मसाला रेडी कर लिया है, और इसे रख देते हैं एक साइड में। आलू का मसाला रेडी है, साथ ही मैंने ब्रेड के किनारे भी काट के रेडी कर लिए हैं, इसे भी एक साइड में कर देते हैं। अब बेसन का हम घोल बनाएंगे, तो तैयार करते हैं इसका बैटर। तो अब हम बनाएंगे बेसन का घोल। तो इसके हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने, 1/2 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा रहता है इसका फ्लेवर और टेस्ट। ओके, तो अजवाइन डाली मैंने, और साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 चम्मच डाल देते हैं सॉल्ट। तो ये मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। और कलर के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, टर्मरिक पाउडर, ताकि कलर अच्छा आए एकदम। और अब हम इसमें पानी मिलाकर, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक गाढ़ा घोल रेडी करेंगे। और एकदम एकदम चिकना होना चाहिए, कोई इसमें गांठ लंग्स नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं इसमें पानी मिला के, इसका एक बढ़िया घोल रेडी कर लेते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, और आपको दिखाती हूँ इस तरह का इसका मैंने घोल बनाया है। और इसमें थोड़ा सा मैं हरा कटा हुआ धनिया डाल लेती हूँ, कोरिएंडर लीव्स, इससे जो बाहर का जो पकौड़े का कवर है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम रंग बिरंगा हरा भरा सा। और देखिए, इसका घोल भी मैंने रेडी कर लिया है। और इसके बाद अब हम जो हमने आलू का मसाला रेडी किया था उसे ले लेते हैं। ये आलू का मसाला ठंडा हो गया है, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम सारे बॉल रेडी कर लेते हैं इसके। आप इसे इक्वल साइज के बनाएं, सामान सबको बड़ा छोटा ना करें। तो इस तरह से मैं इसके सारे बॉल रेडी कर लेती हूँ।
सारे बॉल मैंने आलू के बना के रेडी कर लिए हैं। ओके, और इसके बाद में अब होगा हमारा प्रोसेस शुरू। तो मैंने इस तरह का ब्रेड लिया है और इस ब्रेड को हमें पानी में थोड़ा सा भिगो लेना है। इस तरह से दोनों साइड से थोड़ा सा इसे भिगो लेंगे। इसे भिगो लिया है और इसे हल्का सा इसे आप दबा दीजिए ताकि इसकी जो लेयर है वो पतली हो जाए। और इसमें रखना है इस तरह का बॉल और चारों तरफ से इसे इस तरह से करते हुए और इसका एक लड्डू बना देना है। इस तरह से आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह हम लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। ओके, तो मैंने इस तरह से प्लेट में पानी ले लिया है ताकि ब्रेड में पानी लगाने में आसानी रहे। तो उसे हल्का सा ही डुबोना, ज़्यादा नहीं डुबोना है। और सारा पानी इस तरह से तुरंत आपको बहुत ही स्पीडली करना है, सारा पानी निचोड़ देना है इसका बिल्कुल। और एक बॉल उठा के इसे सेंटर में रखना है, चारों तरफ से इस तरह से इसे बॉल को अंदर करते हुए और इसका एक बॉल बना देना है। तो इस तरह से हम अपने सारे बॉल रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बॉल बनाना है और बहुत ही आसान तरीका है ये, और आप एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। और इसे टाइटली एकदम बंद कर दीजिए ताकि इसमें से आलू का मसाला बाहर ना निकले। तो मैं आपको एक ब्रेड करके और दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको बहुत ही स्पीडली काम करना है। तो एकदम डिप करने के बाद में सारा इसका जो पानी है इसे निकाल देना है। पानी लगते ही ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो जाता है। उसका पानी निकालने के बाद में आपको सेंटर में एक बॉल रखना है और बॉल रखने के बाद में इसका एक इस तरह से कवर करते हुए इसका एक टाइटली बॉल बना देना है। और इस तरह से आप करेंगे तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पानी भी इसमें से निकल जाएगा। तो सारे ब्रेड के जो बॉल थे वो मैंने भर के रेडी कर लिए हैं। तो इसे रख देती हूँ एक साइड में और जो बेसन का घोल रखा था इसे एक बार और फेंट देती हूँ अच्छे से ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से फ्लफी हो जाए एकदम स्मूथ। और देखिए इस तरह का आपको घोल बनाना है, ना तो ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा ये पतला है। तो पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है। तो इसको पहले अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इस हल्का सा स्मोक आने लगा है। तो अब पकौड़े डालेंगे इसमें। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको इसके पकौड़े डालने हैं। तो इस तरह से आपको एक बॉल लेना है और बॉल को इस तरह से डाल के ऊपर से बेसन से कोट कर देना है और अपनी स्पून की हेल्प से इसे उठाना है। ओके, एक्स्ट्रा बेसन हम निकाल देंगे। और ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे अपना ब्रेड का बॉल। तो इस तरह से हम सारे बॉल अपने ऑयल में डाल देते हैं। तो आपको एक बॉल और दिखा देती हूँ। इस तरह से उसे घोल में डालना है, ऊपर से बेसन डाल देना है, इसे कोट कर देना है बेसन से और इस तरह से उठाना है। जो एक्स्ट्रा इसका बेसन है उसे आप निकाल देंगे इस तरह से और इस तरह कढ़ाई में डाल देना है। तो सारे पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। जो मैंने सबसे पहले डाला था वो हल्का सा गोल्डन हो गया है तो इसे पलट देती हूँ। और देखिए ये सेक चुका है नीचे से। तो इस तरह से हम एक साइड से जब सेक जाएंगे तो दूसरी साइड से चेंज कर देंगे ताकि चारों तरफ से आराम से सेक जाए। तो इस तरह से अलग पलट कर हम इन्हें अच्छी तरह से कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसे देखिए आराम से आपको काम करना है, तेल आपके ऊपर ना गिरे। तो इस तरह से आप इन्हें कुरकुरा कर लीजिए और ये पकौड़े बिल्कुल ब्रेड पकौड़े की तरह ही लगते हैं। और बहुत ही आसान तरीका मैंने आज आपको बताया है, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको अलग पलट कर चारों तरफ से एकदम कुरकुरा गोल्डन होने तक इनको पलट लेती हूँ। कहीं से भी ये थोड़े लाइट ना रहें तो मैं इनको कुरकुरा तल लेती हूँ। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इस तरह से ब्रेड पकौड़े तल के हो गए हैं रेडी और मैं इसको अब निकालूंगी एक जाली में ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए। और आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है, एकदम बढ़िया। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गर्मा गर्म ब्रेड के पकोड़े तैयार हैं और साथ में ही लिया है मैंने टमाटो केचप और ग्रीन चिली है, ये धनिया पुदीने की चटनी है, बहुत ही टेस्टी है। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर नए नए तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और देखिए कितना प्यारा कलर है, एकदम कुरकुरा। बाय बाय, टेक केयर।